हेलो 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 दोस्तों, आवाज आ रही है? माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3। ठीक है बच्चों, स्वागत आपका सभी का एग्जाम्पल के इस मंच पर। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके काउंटिंग ऑफ फिगर्स को। दो क्लासेस हम कर चुके हैं जिसमें हमने लाइंस और रेक्टेंगल और स्क्वायर काउंट करना सीख लिया। वैसे थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से मतलब थोड़ी अभी क्लास लेट शुरू हुई है, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आया था, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। सबसे पहले बच्चों, जो भी हमने कल पढ़ा था, ठीक है, वहां तक की अगर बात करते हैं, जो भी बेटा हमने कल पढ़ा था, वहां तक की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी है, क्या क्या चीजें करी है। ठीक है, तो देखिए, लाइन कंप्लीट हो चुका है, स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बेटा आपका ट्राइंगल। क्या है जी? ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज। बेटा ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज को गिनने के 3 से 4 कंसेप्ट हमारे पास हैं। ठीक है, त्रिभुज को गिनने के बेटा हमारे पास 3 से 4 कंसेप्ट हैं। भाई सबसे जो पहला कंसेप्ट बच्चों आप सभी के सामने मैं लेकर के आ रहा हूं, कंसेप्ट 1। ठीक है, कंसेप्ट 1 बेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां बेटा हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे जब हम कंसेप्ट 1 की बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके अंदर में अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं, किस तरह की चीजें हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन से ऐसे खींच दिए, ठीक है, और जैसा बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो जैसे हमने देखा कि इस, हमें बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो बच्चों देखो, ये क्या है, ये आपका पॉइंट ए बेटा, ये क्या है, ये आपका पॉइंट बी है, ये क्या है, पॉइंट सी है बेटा, ये क्या है, ये पॉइंट डी है। ए बी सी डी, 4 पॉइंट आपके पास है, ए बी सी डी। बच्चों देखिए, हम देख सकते हैं आपके आपके पास बच्चों एक से आपका त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी है, क्या त्रिभुज ए बी और सी, एक आपके बन गया त्रिभुज ए सी और डी। ठीक है, त्रिभुज ए सी और डी, और तीसरा आपके पास है वो है त्रिभुज ए और डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी। तो हम साफ साफ देख रहे हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमने देखा बेटा कि हमारे पास कुल मिलाकर के 3 ट्रायंगल 3 त्रिभुज बन चुके हैं। ठीक है, आगे बेटा हम देखते हैं इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक और फिगर बना दिया ऐसा, और आपसे पूछता हूं कि यार इस वाले आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, और यहां पर बेटा मैंने क्या किया, यहां बच्चों मैंने क्या, यहां पर लाइन कुछ एक्स्ट्रा कर दी मैंने, ये भाई मैंने कुछ लाइंस एक्स्ट्रा कर दी। अब कहते हैं बताओ कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूं, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई है, तो देखिए सबसे पहले बेटा ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है, ये आपका पॉइंट ई है। अगर मैं ये आपका बेटा फिगर 1 था, हमने फिगर 1 में ढूंढा बेटा, हमने फिगर 1 में ढूंढा कि फिगर 1 में हमारे पास कितने त्रिभुज है बेटा, तो फिगर 1 में हमारे पास 3 त्रिभुज है। अगर मैं फिगर 2 की बात करता हूँ, आपके सामने ये बोला ये फिगर 2, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं कंसेप्ट के साथ पहले गिनते हैं, ठीक है, कि कंसेप्ट के साथ यहाँ पर क्या कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, क्या क्या इसका मतलब कितने त्रिभुज हम यहाँ बना सकते हो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे एक आपका हो गया त्रिभुज एबीसी, है कि नहीं, त्रिभुज ए बी सी, एक हो गया त्रिभुज ए सी डी, एक क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज ए सी डी, है ना, त्रिभुज ए सी डी, एक क्या हो गया त्रिभुज ए डी ई, एक क्या हो गया आपका त्रिभुज ए डी और ई, क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज ए डी और ई। ठीक है, आगे बेटा यहां देखते हैं, अगर हम देखते हैं बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखिए
ये आपका त्रिभुज एबीडी है ना, त्रिभुज एक बटा जो डबल पॉइंट वाला है, त्रिभुज ए बी और डी, फिर बटा है त्रिभुज ए सी और ई प्लस त्रिभुज ए सी और ई। तो आपने देखा तीन यहां पर थे, दो ये हो गए, और जो भाई सबसे लास्ट वाला आपके पास आप देख पा रहे होंगे जो सबसे बड़े वाला त्रिभुज है, सबसे बड़े वाला कौन सा, त्रिभुज ए बी और ई, त्रिभुज ए बी और ई बताइए कितने हो गए, एक, सबको जोड़ दीजिए, तीन दो पांच और एक छह, कितने ट्रायंगल हो चुके हैं, सिक्स ट्रायंगल्स, सिक्स ट्रायंगल्स, छह त्रिभुज, ठीक है, छह त्रिभुज, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था कि हमने पहले सिंगल सिंगल ट्रायंगल काउंट करें, फिर दो वाले पॉइंट पे काउंट किए, फिर तीन वाले, अगर चार होते पहले एक गिनते फिर दो फिर तीन फिर चार, अगर पांच पहले सारे एक वाले गिनते फिर दो पॉइंट वाले फिर तीन पॉइंट वाले फिर चार पॉइंट वाले फिर पांच पॉइंट वाले, ठीक है, ऐसे गिनते। लेकिन यार इतना सारा समय हमारे पास नहीं होता, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना होता है और हमें बताना होगा इसमें ट्रायंगल कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज आ गया है बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल आ गया है, और ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में ऐसा पार्ट बना हुआ, हम कहते हैं इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, हम देखेंगे कि अगर यही आपका कंसेप्ट वन है, ठीक है, ये बड़ा कंसेप्ट वन है कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी एक बिंदु से, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी एक बिंदु से उसके सामने वाले भुजाओं पर जो लाइन खींची गई है, सामने वाले भुजाओं पर एक दो और तीन, सामने वाले भुजाओं पर लाइन खींची गई है, हमने क्या कर दिया, हमने इनको सिर्फ जोड़ देना है, वन प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है, जितने भागों में बटा हो बेटा उतने भागों में जोड़ दो, तो कितना आ गया, दो और एक तीन, तीन और तीन छह, कितना आ गया यहाँ पर, छह त्रिभुज, सिक्स ट्रायंगल, कितने हो गए बच्चों, सिक्स ट्रायंगल, छह त्रिभुज, जितने भागों में बटा हुआ है उतने भागों में उसको हमने बांट के और उसका कुल योग कर दिया, जितना योग हमने किया बेटा जो भी इसका सम करने पे आएगा वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर आपकी वजह से कुछ चीजें समझ में आ रही है बताओ, अगर चीजें समझ में आ रही है तो सारे बच्चे का स्माइल कर दीजिए, अगर बेटा चीजें समझ में आ रही है तो सारे बच्चे बेटा स्माइल कर दीजिए, ठीक है, आइए आइए देखते हैं बच्चों, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ दिया, मुझे बताओ भाई इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, आप बोलोगे सर सिंपल सा तो है, अभी तो आपने बताया था, हम क्या करेंगे सिंपल भाई, इसके पार्ट में कितने भागों में बढ़ गया, एक दो तीन और चार, हम क्या करेंगे भाई इन सबको जोड़ देंगे, हमने इनको जोड़ दिया, कितना आ गया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, सबको बड़ा जोड़ दीजिए, कितना चार तीन सात दो नौ और एक दस, तो कितना आ गया, दस त्रिभुज टेन ट्रायंगल, कितना आ गया बेटा, दस त्रिभुज टेन ट्रायंगल। जब भी हमारे सामने ऐसा प्रश्न आएगा हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन बेटा कर सकते हैं, है ना, इस तरीके हम क्वेश्चन क्या समझा सकते हैं, सामने की ये वाला फिगर आ गया, कहते बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बन लो भाई, बता देते हैं, बताओ कहते इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो इस वाले आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो मतलब हमने इस आकृति की बात की, इस वाले आकृति में इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, आइए बच्चों देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कितने भागों में बढ़ गया, एक दो तीन चार पांच, तो बेटा इनको जोड़ दीजिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ठीक है, कितने बेटा यहाँ पर सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने पर आ गया पंद्रह, तो अकॉर्डिंग टू दिस इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, पंद्रह त्रिभुज। तो हमने कंसेप्ट वन सीख लिया, वैसे कई और तरीके भी होते हैं ऐसे प्रश्नों को करने के, कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहीं कुछ पढ़ लेते हैं कहीं कुछ पढ़ लेते हैं, फिर बीच में ना ऐसे मतलब दिमाग उनका खराब होता रहता है। देखिए यार कई तो फिर आपको सिखा दिया जाएगा एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू, है ना, ये बेटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा टोटल ट्राइंगल के बराबर,
टोटल ट्राइंगल के बराबर है ना, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे वो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल के बराबर आपको ये दिखेगा। अब यार अगर मैं बात करूंगा बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की, तो यार n into n plus one, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा n की वैल्यू होगी जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, जैसे पांच है तो पांच बटा इनकी वैल्यू, यहाँ पर चार है तो भाई चार है इनकी वैल्यू, यहाँ पर तीन है तो तीन है इनकी वैल्यू। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले को बेटा यहाँ पर पुट करता हूँ, मैं क्या करूंगा, देखिए पांच गुणे में छह बटे में दो, भाई एन प्लस वन करोगे ना तो एन प्लस वन क्या आएगा फाइव प्लस वन, और फाइव प्लस वन कितना आएगा सिक्स, दो की छह, पांच को तीन से गुणा करो तो कितना आ गया पंद्रह त्रिभुज, समझ गए बेटा। इधर देखो एन इंटू में एन प्लस वन, तो बेटा चार गुणे में पांच बटे में दो, तो दो दूनी चार, दो पंच बटा कितना आ गया दस त्रिभुज। तो आप किसी भी आकृति में किसी भी ऐसे क्वेश्चन जहां पर एक पॉइंट लाइन खींची गई है वहां पर बेटा नीचे लगा सकते हैं। क्या देखो बेटा तीन गुणे में चार बटे में दो, दो तीन छह, दो दूनी चार, दो दूनी चार कितना आ गया तीन दूनी छह, ठीक है। तो हम किसी बड़े एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन टू का भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये कर लो चाहे तो आप इनको से जोड़ दो, आपका एक ही बात है, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम सेम ही आएगा, बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताओ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस फिगर, तो हमने क्या करा, हमने देखा कुल कितने भागों में बटी, आप देखोगे कुल ये छह भागों में बटा होगा शायद, एक दो तीन चार पांच छह सात भागों में बट गया। हम क्या करेंगे सिंपल सिंपल, सात गुने में आठ बटे में दो, दो चौके आठ, सात चौके अट्ठाईस, ठीक है सिंपल। कभी भी भाई ऐसा कोई भी प्रश्न बेटा आ गया तो हमें परेशान होने की जरूरत बेटा नहीं है, ठीक है, हमें बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूला पुट करना है बेटा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, किधर से भी आए किसी पॉइंट से बेटा आ रहा है कुछ भी आ रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल देखो वो कितने भागों में बट गया है, बस वो कितने भागों में बट गया है, बस उसको जोड़ दीजिए आपका आंसर बेटा आ जाएगा। कहता है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक काम करो एक लाइन और बना दो, ठीक है एक और बना दो, मेरे कितने चाहिए आठ भाग हो जाएंगे, तो आठ यानी कि आठ गुने में नौ बटे में दो, दो चौके आठ, नौ चौके छत्तीस, कितने हो गए छत्तीस त्रिभुज, थर्टी सिक्स ट्राइंगल, थर्टी सिक्स ट्राइंगल, ठीक है। अब ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा अलग से क्वेश्चन भी आपके साथ आपको देखने मिल जाए, वो क्या करेगा वो नॉर्मल डायरेक्टली प्रश्न को ना पूछ करके थोड़ा सा बेटा घुमाएगा, क्या करेगा बेटा थोड़ा सा प्रश्न घुमाएगा, जैसे वो क्या करने वाला, देखिए वो क्या करेगा, वो उसने मान लो यहां से लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है, और फिर बोलेगा भाई अपना मैंने एक लाइन यहां से भी खींच दी है, आप बताओ कितने त्रिभुज हैं, यार इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो आप देखिए अब इसके दो बेस बन गए, जहां पर लाइनें खींची गई हैं वहां बेटा दो बेस बन गए, है ना। तो घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा नहीं कि हम घबराए इस प्रश्न को देखकर कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है किस तरीके से हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सिंपल देखना है कि हम अपना माइंड यूज करो क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या चीजें हो सकती है, इतना ही मिलेगी इससे हमें कुछ नहीं देखना। देखो देखो कंसेप्ट वाला वही है कि किसी भी पॉइंट का लाइन खींचे तो उसको देखने में आंसर निकालना है ना, सम करो एन टू एन प्लस वन अपॉन टू करो, यही बात है। अब देखो बच्चों
यहां पर अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूं, मतलब इस पॉइंट से इस वाले भाग पर एक दो तीन और चार, कुल ये चार भागों में बढ़ गया। कितने भागों में? चार भागों में। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, फोर इंटू में फाइव अपॉन टू, तो यहां दो इन चार कट जाएगा, उत्तर क्या आ गया? दस ट्रायंगल। हमें पता लग गया, बच्चों का पता लग गया कि एक पार्ट से, जो एक वाला पार्ट है, यहां से भाई ये कुल दस ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, यहां से बिल्कुल दस त्रिभुज बना रहा है। कितने बना रहा है? दस त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, अब अगर एक बेस से यहां वाले बेस से बेटा गया दस त्रिभुज बना रहा है, तो यही वाला फंडा ऊपर जाएगा ना, एक दो तीन चार, यहां पर भी ट्रायंगल बने मेरे को, ये वाला एक है, ये वाला बेटा दो है। तो आप देखो, एक लाइन खींचने से पूरा त्रिभुज दो भागों में बट गया। ठीक है, जितने त्रिभुज थे वो दो भागों में बट गए। बेटा अगर त्रिभुज दो भागों में बट गए हैं, अगर त्रिभुज दो भागों में बट गए हैं, तो हम साफ साफ बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सिंपल सा फंडा रखना है यहाँ पर। क्या जैसे एक पार्ट से बेटा अगर दस है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में गुणा कर देंगे। दस गुणे में दो कितना आ गया? बीस। ट्वेंटी ट्रायंगल बेटा कितना आ गया? बीस त्रिभुज। 20 ट्रायंगल कॉट इट, कितना आया बेटा? 20 त्रिभुज, 20 ट्रायंगल। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रही है। बताओ थोड़ा जल्दी से बात, क्या चीज समझ में आ रही है? आज तो भैया बस मस्त भैया भी मना रहे होंगे आप लोग, हैं भाइयों, बहुत सही भाई, बहनों को बहुत अच्छे अच्छा गिफ्ट देना, बहनों जो लूटना और भाइयों को, अगर लूट चुके होंगे फिर तो कह नहीं सकते, बाकी अगर मौका है तो मत लूटना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए, बताओ इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज है, या इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, बताओ जी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। जैसे हमने बेटा बात करी इस आकृति, क्या कर सकते हैं बताइए, क्या आंसर आएगा जल्दी बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? जाहिर सी बात है कि जो पॉइंट हमने वहां लगाया वही पॉइंट यहां लगाया, थोड़ा फर्क क्या बेटा कि यहां पर लाइनें ऐसे खींची गई थी, यहां पर लाइनें ऐसे खींची गई, मतलब इसको जब घुमा रहे तो इस पॉइंट को बेटा ऊपर लेकर सही बनेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब हमने देखा कि यहां पर कुल कितने भाग में बढ़ गया, तो एक दो तीन चार पांच। ठीक है, यहां पर कुल पांच भाग में बढ़ गया बेटा, यहां पर कुल पांच भाग में बढ़ गया है, हम साफ साफ क्या कह सकते बेटा, यहां पर हम साफ साफ क्या कह सकते हैं कि सर फाइव इंटू में, फाइव इंटू में सिक्स अपॉन में टू, तो दो तीन छह कितना आ गया? पांच तीन पंद्रह, तो बेटा यहाँ पर पंद्रह त्रिभुज आ गए हैं, फिफ्टीन ट्रायंगल्स आ गए हैं। बेटा फिफ्टीन ट्रायंगल से एक बेस से आए ना यार, फिफ्टीन ट्रायंगल तो बेटा एक बेस से आया है, मतलब पंद्रह यहां से, पंद्रह यहां से, पंद्रह यहां से, मतलब हर तरफ से बेटा पंद्रह पंद्रह त्रिभुज बन जाएंगे, हर तरह से क्या देंगे, पंद्रह 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 त्रिभुज बन जाएंगे। आपका बेटा टोटल आंसर क्या आ गया? फिफ्टीन इंटू में थ्री, फिफ्टीन इंटू में थ्री बेटा कितना आ गया? फोर्टी फाइव ट्रायंगल्स, फोर्टी फाइव ट्रायंगल्स, फोर्टी फाइव ट्रायंगल्स, गॉट इट, फोर्टी फाइव ट्रायंगल्स, सही है, फोर्टी फाइव ट्रायंगल्स क्या आ गया बेटा? पचपन पैंतालीस त्रिभुज। ठीक है, एक पार्ट से, अब यार एग्जाम वालों को ना ये बात भी रास नहीं आई, वो कहते हैं यार ऐसे कैसे बच्चे, मतलब इतने फाइनल क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि कुछ तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे नहीं करना, कुछ तो फंसाएं उसको, कैसे फंसाएं, तो नए नए तरीके ढूंढते हैं, नए नए डायग्राम बनाते हैं जिससे बच्चे फंसे, जिससे बच्चों का गलत हो। ठीक है, कई तरह के अटैक करेंगे, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन बेटा आपको आसान हो गया तो उसको जबरदस्ती मुश्किल कर देंगे। ठीक है, उसको जबरदस्ती बेटा मुश्किल कर देंगे, जैसे देखिए मान लो बेटा वो क्या कर देगा, एक बार सही बच्चे बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है,
अगर बेटा समझ में आ रहा है तो शायद थम लगा दो फटाफट थप 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 या स्माइल लिख दो, स्माइल भेज दो सारी सर अगर समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा तो फिर वही बताओ कि समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा अब यहाँ पे बच्चों को क्या कर देगा, वो सिंपल सा फंदा लगा देगा यहाँ से। उसने कह रहा यहाँ से खींच दिया, सिलाई यहाँ से खींच दिया, हमें दिक्कत की बात ही नहीं है ना यार, काहे की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टेंशन होने की जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल सा फंदा पुट करना है। क्या फंदा पुट करना है, क्या फंदा बेटा पुट करना है, बहुत छोटी सी चीज है बेटा, क्या फंदा पुट करना है। तो देखिए देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो तरीका है वो पुट कर दो, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 भाई ये तरीका तो मैं पता ही है, आसान तरीका है। हमने इसमें क्या किया बेटा, हमने सिंपल से कर दिया 5 × 6/2 है ना, 5 × 6/2 कितना आ गया, 5 × 2 = 15 है ना, 5 × 3 = 15 त्रिभुज। तो बेटा हमें पता लग गया ये पूरे 15 त्रिभुज है, कौन से नीचे वाले बेस वाले है ना, जो बेस वाले पूरे 15 त्रिभुज है, ठीक है। अब बेटा इसके ऊपर हमने क्या देखा था, यहाँ पर 15 ही त्रिभुज है, जब हमने इसके ऊपर देखा ये वाला पार्ट तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो 15 ही बनेंगे, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच भागों में बट रहा है, यहाँ भी 15 त्रिभुज हो गए। अब इसके बाद हमने देखा कि ऊपर में कुछ और भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ठीक है, ऊपर कुछ और भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है। तो हम देखते हैं ऊपर कुछ और भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तो भाई क्या काम हो रहा होगा, देखिए देखिए ऊपर देखते बेटा, ऊपर ये फिर से ना मतलब पूरा तो है लेकिन अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इसलिए क्या कर दिया 1, 2, 3 हमने देखा यार यहाँ पर ना इसे 3 भागों में बटा हुआ है, अगर ये सिर्फ 3 भागों में बटा बेटा तो त्रिभुज भी सिर्फ इन 3 भागों से ही बनेगा, ठीक है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में बटा हुआ है मतलब बेटा त्रिभुज भी सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में बटेगा, इसके अलावा अगर त्रिभुज कहीं नहीं बटेगा। जैसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 + 2 + 3 3, 2, 5 और 1, 6 बेटा कितने हो गए 6 त्रिभुज। कौन से वाले पार्ट में, जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ बेटा कितने ट्रायंगल हो गए 6 ट्रायंगल, और जो इसके इस तरफ है, जो इसके इस तरफ है वहां पर भी हम देखते हैं कितने भागों बढ़ गया 1, 2 और 3 बेटा इनको जोड़ दो तो 1 + 2 + 3 बेटा कितने हो गए 6 ट्रायंगल, कितने हो गए 6 ट्रायंगल 6 त्रिभुज है ना। तो जैसे हमने देखा यहाँ से भाई इस तरीके से चीजें गई, हमने कहा टोटल 6 त्रिभुज हो गए हैं ना। अब यहाँ पर देखो बेटा 15 यहाँ थे 15 यहाँ थे 15 + 15 तो हमारे पास पहले ही थे, अब 6 और 6 कितने हो गए, अगर मैं इन 6 और 6 कितना आ जाएगा 6 और 6 = 12 हो जाएंगे, तो 15 + 15 = 30 30 और 12 बेटा कितना होगा 42 त्रिभुज, कितने हो बेटा 42 ट्रायंगल, कितने हो जाएगा बच्चों 42 ट्रायंगल। आई होप कि आपको बेटा समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर पूरा लाइन खींचा हुआ है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर बीच बीच में कट करके किया हुआ है तो आप सेपरेट इंडिविजुअल बेटा आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। आप बेटा इंडिविजुअल काउंट कर सकते हैं किसमें कितना त्रिभुज बनेगा, ठीक है, इंडिविजुअल बेटा आप आंसर निकाल सकते हैं किसमें कितना त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अलग अलग ऐसा नहीं कि किसी से आप गुणा कर दो या इस तरीके से भी गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि बेटा देखिए यहां पर मान लो बेटा मैंने यहां पर एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, कहता है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताओ फटाफट जैसे बताओ बता इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, फटाफट से बताएंगे बेटा, जल्दी बताएंगे इस आकृति में कुल ट्राइंगल कितने होंगे, कुल त्रिभुज कितने होंगे, जल्दी बताइए। बताओ
इस आकृति में बेटा कुल कितने त्रिभुज होंगे फटाफट से, इसका आंसर आप निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं बता दीजिए भी बताऊं बता देता हूँ। देखो यार दिवाली ऑफर चल रहा है, इसको मिस क्यों कर रहे भाई, व्हाई यू गाइस आर मिसिंग इट। एग्जांपल के किसी भी कोर्स में बेटा आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है, 75% का। तो किसी भी कोर्स मतलब किसी भी कोर्स में आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं, चाहे आप एक्सपायर्ड जो भी बेटा कोर्स है आपका, चाहे आप टेक्निकल पे कोर्स लेते हैं, चाहे आप एफकैट की कोर्स लेते हैं, चाहे आप सीडीएस का कोर्स लेते हैं, चाहे आप पीटी कोर्स लेते हैं, आप कोई भी बैंक बेटा लेते हैं है ना, आप दिल्ली पुलिस का कोर्स लेते हैं, आप एसएससी का कोर्स लेते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं, कोई भी मतलब एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो भी कोर्स अवेलेबल है, जो भी कोर्स अवेलेबल है, उस कोर्स बेटा आप लोगों को 75% का बेटा डिस्काउंट मिल रहा है। जो कोर्स बेटा आपका 4,000 रुपए का था वो कोर्स बेटा आप लोगों को 999 का पड़ जाएगा, ये 249 का पड़ेगा। एक बार छोड़ते हैं शगुन के नाम का आप लोगों के लिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमें यार पढ़ने का मौका मिला ना बच्चों, हमें क्या मिला, हमें पढ़ने का मौका मिला, बैक टू बैक हम पढ़ रहे हैं ना। और मेरा कंसर्न बेटा इतना सही है बच्चों, मेरा कंसर्न केवल केवल इतना है कि मान लो कि पहले बेटा 2,000 रुपए थे और मुझे इसमें कोई एक कोर्स परचेज करना, ठीक है, मुझे बेटा इसमें कोई भी एक कोर्स परचेज करना था, लेकिन अब इस दिवाली मौके की वजह से अब इस 2,000 रुपए में बेटा आप चाहो इसी 2,000 रुपए में बेटा किसी भी कोर्स का बेटा आप 3 या 4 कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, 3 या 4 कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, और अपने मैथ्स को, रीजनिंग को, जीएस को ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेटा स्ट्रांग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है ना। क्योंकि मान लो अलग अलग शिक्षक पढ़ाएंगे, सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, आपके पास बेटा ऑप्शन है पढ़ने के, इतने ऑप्शन है, यू नो वी कैन नॉट से दैट आई एम ओनली आई एम द बेस्ट, कैन वी से वी कैन नॉट से दिस, हम ये नहीं कह सकते ओनली आई एम द बेस्ट, देयर आर सो मेनी बेस्ट 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 फैकल्टी इन द एग्जांपल एरिना। बेटा यहाँ पे बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज है ना, तो बहुत सारी फैकल्टीज है, आप अलग अलग कोर्स परचेज करोगे आपको अलग अलग ट्रिक्स अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, हो सकता है कुछ चीजें मेरे लिए अच्छी हो सकता है कुछ चीजें के अंदर अच्छी हो सकता है कुछ कुछ लोग बहुत ही इजी समझा देते हैं, कुछ थोड़ा सा और इजी समझा देते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा इजी समझा देते हैं, तो बेटा तरीका होगा सबको समझाने का है ना। तो इसलिए बेटा इस कोर्स को जरूर परचेज करें, और जो कोर्स आप देख रहे हैं 2,000 रुपए मान लो आपके पास है, उसमें 2 से 3 कोर्स परचेज करें और नेक्स्ट टू नेक्स्ट बेटा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि सिलेक्शन केवल एक ही बात मांगती है, वो है पढ़ाई। सिलेक्शन केवल के पढ़ाई मांगती है, केवल और केवल पढ़ाई, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो डेफिनेटली सी बात है भाई आपका सिलेक्शन पक्का पक्का होगा, ठीक है। अगर आप उस जगह पर खड़े हैं जहां से आपको शुरुआत करनी है और आपने विलिंग है कि भाई मैं जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा और मैं इससे आगे यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ना कि इसके पीछे, बड़ी सफलता निश्चित है, हो सकता है कुछ समय आपको लगे वहीं पर फ्रंट लाइन पे ही, लेकिन अगर आपके अंदर आप विश्वास है तो बता उस फ्रंट लाइन से आगे ही जाओगे और बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाकर विक्ट्री भी हासिल करोगे, लेकिन अगर आप विश्वास की कमी हो जाएगी तो बेटा आपको पीछे आना पड़ेगा है ना, और पीछे हट गए सारा मामला खत्म, क्योंकि पीछे तो आप पहले ही थे, आपने बिलिंग के लिए आगे जाएंगे आगे जाएंगे पाया, ठीक है। तो बेटा इसलिए ये जो ऑफर्स है इन ऑफर्स का बिल्कुल बिल्कुल बेटा लाभ उठाए, इन सभी ऑफर्स का बेटा लाभ उठाए, कहते हैं शुभ लाभ ऐसा लिखते हैं दिवाली में, तो बेटा उसी में लाभ बेटा आपके पास है, यहाँ पर आप जरूर जरूर बेटा उस पूरे ऑफर का बेटा अच्छे से फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, ये रहा भाई हमारा प्रश्न। देखो यार सबसे पहले बच्चा बात हम क्या करने वाले यहाँ पर, सबसे वेरी फर्स्ट थिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक
दो तीन चार पांच और छह, तो जो प्रॉपर पार्ट है उसको तो हम काउंट कर सकते, तो हम सिंपल हमें क्या कर दिया होता, छह गुणे में सात बटे में दो, तो दो से कट जाएगा, दो तीन छह कितना आ गया, तीन सत्ते इक्कीस। तो बेटा हमारे पास ना जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, बेटा आपने देखा यहाँ पर आपको इक्कीस त्रिभुज होगा, कितने बेटा हमारे बेटे यहाँ पर 21 त्रिभुज हो गए हैं। और अगले पार्ट बेटा देखते हैं, इधर वाला पार्ट है, ऐसा मत करो कि यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म हुआ यहाँ शुरू हुआ तो डबल कर दो ना, डबल कर दो कर दो, पॉइंट अलग अलग हो गया तो अलग काउंट करेंगे इसको हम, ये कितने भागों में, एक दो और तीन, तो अगर इसको जोड़ता हूँ वन प्लस टू प्लस थ्री, ये कितना बेटा, ये हो गया छह, ठीक है, अगला वन टू और थ्री, बेटा ये कितना हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री, बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया सिक्स, बेटा इससे आगे देखते हैं वन और टू, बेटा वन प्लस टू कितना हो जाएगा, वन प्लस टू बेटा थ्री, बेटा ये क्या हो जाएगा, वन टू और थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री, सबको जोड़ दो, छेती अठारह, अठारह तो इक्कीस, इक्कीस दिन बयालीस, 42 ट्राइंगल्स प्यारे प्यारे बच्चों, 42 ट्राइंगल बेटा आपका बिल्कुल सही सही आंसर है इस प्रश्न का, ठीक है, सही सही आंसर बेटा इस प्रश्न का 42 ट्राइंगल इज द करेक्ट करेक्ट आंसर, 42 ट्राइंगल इज द करेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों जो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए, जो भी बेटा हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए, अगर कि भाई आपके दिमाग में पूरा अच्छे से वो फिट हो गया है, ठीक है, आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखो, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार, कहता है भाई इसमें कुल कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बताओ, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बताइए बेटा, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो यार अगर वो ट्राइंगल भी पूछ रहा है हमसे बेटा, अगर वो ट्राइंगल पूछ रहा है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए, देखो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले बात मेरे पास ये वाला एक ट्रायंगल है और इस पे उसने ना ऐसी एक लाइन खींची है जो ऊपर वाली लाइन है बेटा ये वाली, तो हमने देखा कि इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बन गए बेटा, कितने बन गए, एक तो आपका ये बन गया, एक दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया, तीसरा बड़े वाला है, तो बड़े वाला हम इसी लाइन में काउंट कर चुके हैं, तो तीन बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें तीन बन गए आपके, ठीक है, जब भाई मैंने यहां से बच्चों यहां पर लाइन खींची तो इस लाइन की वजह से आप देखोगे जो बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले की बात कर रहे हैं, तो बेटा बड़े वाले ट्रायंगल में आपके पास एक ये बन गया, एक दूसरा ये बन गया दो, मैंने कहा सर इससे दो बन गया बड़े वाले में, ठीक है, जब भाई मैंने यहां से ये लाइन खींची ऐसे तो इसके वजह से दो बन गए, एक और दो, ठीक है, तो तीन दो पांच और दो सात हो गए यहाँ पे, कितने बेटा सात हो गए। अब देखो यार, अब देखो बच्चों, इन सब के मिलने के कारण, इन सब के मिलने के कारण आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट हो गया है बेटा, यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट हो गया है, पर ये मीटिंग पॉइंट जो है आप देखो वन और टू, इसमें तीन बनेंगे ना, एक दो और तीन, बस देखो आप तीन बन रहे हैं आपके पास, है ना, यहाँ बेटा यहाँ पे कितने बन रहे हैं, यहाँ पे तीन बन रहे हैं, तो नौ और हो गए, तो टोटल कितने हो गए, तीन दो पांच दो सात, सात और नौ कितने होते हैं बेटा, सात और नौ होते हैं सोलह त्रिभुज, कितने होते हैं बच्चों 16 ट्रायंगल, बेटा कितने होते हैं 16 ट्रायंगल, 16 त्रिभुज, हमने देखा यहाँ पर बेटा कितने ट्रायंगल हो चुके हमारे,
हमारे कुल 16 त्रिभुज यहाँ पर बन चुके हैं, 16 त्रिभुज बेटा यहाँ पर बन चुके हैं, है ना। और ये बेटा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बेटा पूछा गया है। 16 ट्राइंगल्स आपका बेटा इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों, देखो भाई एक ट्रायंगल आपका ऐसा बन गया, ठीक है। चलो बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तरीके तो बहुत सारे बेटा, आप चाहो तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इससे ज्यादा भी सकते हो, ठीक है। मतलब 12 त्रिभुज है, लेकिन बेटा हम क्या, मैं आपको क्या सिखा रहे हैं, देखो जो सिखा रहे बेटा वो सीखिएगा। मैंने बेटा अभी अभी ऐसा एक ट्रायंगल देखा, ठीक है, मैंने जस्ट अभी अभी आपके सामने ऐसा एक ट्रायंगल बनाया। और भाई इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे इसमें ना आपके 16 त्रिभुज निकल के आए, कितने निकल के बेटा 16 त्रिभुज बेटा निकल के, कितने 16 ट्रायंगल, कितने बच्चों कितने निकल गए यहाँ पर, यहाँ पर बच्चों 16 त्रिभुज निकल के आए हैं, 16 ट्रायंगल निकल के आए, यहाँ पर 16 ट्रायंगल निकल के आए हैं। तो बेटा अगर हम 16 ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पर 16 त्रिभुजों की बात करते हैं, तो साफ साफ देखो बेटा अगर अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं तो इस वाले में क्या फर्क है कि भाई जो ये वाला फिगर है, इस वाले फिगर में ये वाला पार्ट नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला बेटा आगे तक नहीं जुड़ा हुआ, इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम सेम है। मतलब बेटा ध्यान रखेंगे कि एक पार्ट यहां से यहां तक नहीं जुड़ा हुआ, एक लाइन बेटा अगर आगे तक नहीं जुड़ा हुआ, तो एक लाइन के कम होने की वजह से बेटा 4 त्रिभुज आपके कम हो जाते हैं। आपका बेटा आंसर आ गया 12 ट्रायंगल, कितना आ गया 12। अब देखो 4 कैसे कम हो गए, देखो भाई एक तो कम हो गया, एक दूसरा कम हो गया, तीसरा बेटा ये कम हो गया और चौथा ये कम हो गया। तो एक एक खत्म होने से, एक लाइन के टच ना होने से 4 ट्रायंगल आपके कम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर 12 त्रिभुज है, 16 थे, हमने देखा भाई ये वाला पार्ट आगे तक नहीं जुड़ा हुआ, ये वाला पार्ट आगे तक नहीं जुड़ा हुआ, अगर ये जुड़ा हुआ नहीं है तो इसके वजह से ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा, और इसी के बेटा ना तो ये वाला पूरा बन पाएगा और ना ही बेटा ये वाला पूरा बन पाएगा। तो दो नीचे से दो ऊपर से दोनों कम हो जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे, एक लाइन के पूरा ना होने के लिए बेटा 4 कम हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पर देखो बच्चों, यहीं पर देखिए, मैंने बेटा मान लो एक ट्रायंगल और बना दिया, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया, कैसा, यहां से लाइन गई है, यहां से बेटा ये लाइन ऐसे गई है और यहां से ये लाइन ऐसे गई है। देखो हर एक पॉइंट से निकला हुआ त्रिभुज है ना, अब वो कहता है भाई इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो मैंने क्या कहा था अगर एक लाइन बेटा पूरा नहीं होता है, अगर एक लाइन पूरा नहीं होता है तो उसमें होते हैं 4 त्रिभुज कम पड़ते हैं एक लाइन ना पूरा होने से, तो टोटल 16 तो बननी चाहिए, लेकिन ना तो भाई ये वाला पार्ट पूरा हुआ है तो ये 4 कम हो गए, और ना ही ये वाला पार्ट पूरा हुआ है तो 4 और कम हो गए। 16 माइनस बेटा 4 कितने हो गए, 8 त्रिभुज, कितने बेटा 8 त्रिभुज। तो बेटा आपका सही सही आंसर बेटा इस क्वेश्चन में क्या आ गया, 8 ट्रायंगल बेटा, कितने आ गए 8 ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स 8 ट्रायंगल्स, द करेक्ट आंसर इज अबाउट 8 ट्रायंगल्स, गॉट इट, द करेक्ट आंसर इज अबाउट 8 ट्रायंगल्स, ठीक है, कितने बेटा 8 त्रिभुज। तो हमने देखा एक के कम होने की वजह से कितना कुछ बिगड़ रहा है, कितना कुछ बदल रहा है कि नहीं। तो बेटा देखो इससे बनेंगे 16, एक कम हो गया 12, दो कम हो गए 8, ठीक है। चलिए आप लोगों को बेटा एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है, आप लोग बच्चों इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आज की क्लास बेटा यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी कोई दिक्कत की और समस्या की बात नहीं है बेटा, हम पढ़ते ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं बेटा, आराम से पढ़ते रहेंगे। कहता है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अब जाते जाते भाई, जाते जाते बेटा एक बार फिर से देखिए, दिवाली धमाका आपको पता ही है,
ना, जब तक ये ऑफर है तब तक इसे कर लीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, जम के पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, इतना इतना पढ़ लीजिए कि सिलेक्शन खुद आपके पीछे भागता रहे, इस बिंदु पर जाना जाना है। कैसे ना भाई, कि बिना किसी, जैसे मान लो पानी में डूब रहे हो, पानी में डूब रहे हो तो या तो शाम खड़े रहे बिल्कुल डूब जाओगे, मर जाओगे, मेरा हाथ पे तैरने नहीं आता, मेरा हाथ पे मार रहे हैं, हाथ पे मारने में दो चीजें, डूब तो तब भी रहे हैं, पर हाथ पे मारने से क्या पता कोई डूब खड़ा बंदा भी देख ले और वो हमें आगे बचा ले। नहीं आता कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, है ना, जीरो से वन करिए कोशिश करिए, हो सकता है बेटा कि जीरो का हंड्रेड ना हो सकता है बच्चों कि जीरो का हंड्रेड ना हो, लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर जीरो का हंड्रेड नहीं हो पा रहा है तो यानी जीरो कम से कम 0.1 तो हो ही सकता है। ठीक है, जीरो 0.1 तो हो ही सकता है, इसलिए बेटा कभी भी जीवन में कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होना, हताश नहीं होना, नहीं आया ठीक है, सीखेंगे, ये अच्छी बात है ना, फेल तो वैसे ही है, हमें करना है क्या फेल होने के लिए, हमें कुछ नहीं करना होता फेल होने के लिए, हमें करना होता है पास होने के लिए, बेटा पास होने के लिए करिए और जितना भरसक हो सके उतना करिए, हो सकता है आपको आपके एबिलिटी से भी ऊपर जाना हो। ठीक है, इसलिए बेटा जम के पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, आप सभी के बेटा इस दिवाली सीजन में जो ऑफर मिला होगा इसका बेटा बहुत सारा फायदा उठाइए। ठीक है, और बम पटाखे तो बड़े फूट चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बेटा कि आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार से रहिए, भाई बहन वैसे रहते नहीं है, कोई किसी को पीटता है, कोई किसी को पीटता है, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, पीट पीट के एक दूसरे की हालत खराब कर दोगे। तो भाई आज की कक्षा में हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं, बाकी जो होमवर्क है उसका आंसर आपको जरूर देंगे और कमेंट में बताओगे आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को समाप्त करेंगे यहीं पर, मिलूंगा मैं आप लोगों से दोबारा से कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का दिन शुभ रहे।